शुक्रिया श्रीराम के हर एक जनता और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, मेरा प्यार आप तक पहुंचे। आज अखबार ने जिक्र की है और जो बहुत जरूरी है बताने के लिए कि भाई और बहनों कि हाकरी बैंक एनफी का डायरेक्टर बुसाइट जेम बुसाइट के बारे में हम बात कर रही हैं, जो सितंबर 2016 से जो 7 साल के जब हुआ तो उन्हें पेंशन से उनको जाना चाहिए था, लेकिन एफएसए राजफंड कमिश्नर 2 साल के लिए उन्हें फरलेंगे दिया है, जिसे हर एक को सूरीनाम में फरलेंगे दे दिया जाता है। मुसाइद को भी 2 साल के फरलेंगे मिला, लेकिन अब पता चला है कि ये जब से ये पेंशन से इनको जाना चाहिए तब से ये पेंशन अनफंड करते गया है और अपना तनख्वाह भी। इसीलिए एनडीपीएस जो साहेब रशीद दुखी साहेब जी है, रशीद दुखी कहना कि जेम बुसाइट जो 24,000 हर एक महीना पेंशन और अपना तनख्वाह अनफंड किया है, तो ये बात अब उन्हें सुख होना चाहिए। दुखी एस अंदरजुक naar onrechtmatige inning pensioenhakkering bankdirecteur Jim Bousaid. Jim Bousaid bole ki hum pension ke paisa nahi liye hai, aur RFC kehta hai ki Jim Bousaid yani pension ke paisa unfang kiya hai, aur isiliye dukhi ab kehta hai ye baat undersuk hona chahiye. Isiliye Hubdarat jo minister hai Gilmore Hubdarat for Financian, वो कल कहना है कि देखिए हम लोग कोई के जान बूझ करके एक जगह से नहीं हटा रहे हैं, कि लोग शायद सोच रहे हैं कि इसके पीछे कोई कारण है और हम लोग जेम बुसाइट को हटा रहे हैं, ये कारण नहीं है। कारण रहा जब कि इनको पेंशन से चल जाना चाहिए था, 2 साल के फरलेंगे, अब ये 2 साल भी बीत गए है, तब इसको हम लोग कहा कि अब तो है चल जाना चाहिए, ये बात है। और दूसरा बात है ही नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि सबके पकड़ पकड़ करके और बाहर किया जाता है, ऐसे बात नहीं है भाइयों। एक बहुत दुख समाचार हम आप लोग के सामने रखने के लिए जा रहा हूं। देखिए हम लोग को जानना चाहिए कि जो लोग जंगलों में रहता है कितनी मुसीबत ये लोग उठाते हैं, कितनी मुसीबत से ये लोग कुछ जिंदगी बसर करते हैं ये लोग। हम लोग इन लोगों पर नाराज हो जाते हैं, कोई गलतियां काम ये कर रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे बेटा इधर मातावाई खबीत के बारे में। एक मां ने अपने 4 बच्चों के ले करके और खेती करने के लिए गई है बीतल में। हम बात करने के जा रहा हूं एक मां जो अपने 4 बच्चों को लेकर के खेत में गया है खेती करने के लिए। बच्चों अलग अलग कुछ कर रही हैं, मां भी कुछ करती है, लगा रही है, काट रही वगैरह वगैरह। अचानक एक लड़का के चिल्लाहट, उनका चिल्लाहट सुनी से बेचारी और ये दौड़ करके जब देखने के जा रही है तो देखे एक बाघ उन पर टूट पड़ा और बाघ उनको काटने के बाद जब मां की आवाज सुनी तो बाघ छोड़ करके लड़का को भाग गया है। यहां लिखा है जस्ट एक बच्चा है शो ऑपन ऑन बवाक मोमेंट इट्स फेरदर ऑफ से खलूपन एंड दो द टेगर से आन खुफालन एंड याहुआर ऑफ पुमा कहिए याहुआर ऑफ पुमा द मुदर रेंड ऑफ एट खेल ऑफ एंड जग द टेगर हेड बॉस इन रेनन। इस लड़का को कटाई में खून चुअत है, देही के खून। इस बच्चा को उठाया सब लड़कन के लेकर के बोट में जल्दी से कूद के बैठा, लगभग कुछ 20-25 मिनट लगा बोट में, और बोट से अब ये जा रहे हैं जल्दी जल्दी। मेरी से सैंडिंग का एक पोस्ट है, लेकिन जब वहां पहुंचा तब ये लड़का का मृत्यु हो गया है। प्यारे लोग ये बहुत अफसोस की बात है, हम लोग को इस बात से बहुत दुख होता है। द्री यार यौंगन मेरीनो ब्रायन खादन सोमवार को एक याखुआर इस पर हमला की, एक पुमा याखुआर
बाग जब माँ ने खेत में काम कर रही है लड़कों के साथ और एक बच्चा के ऊपर बाग टूट पड़ा, वो लड़का के मौत हो गया है। The jongen werd gebeten aan zijn hoofd en overleed aan de opgelopen verwondingen. एक बहुत अहम, एक बहुत दुख समाचार ये भाई, बहुत दुख समाचार है। ये वही से वही परिवार के साथ जो हुआ खाली वही जान सकता है कि जिस बच्चों पर बाघ टूट पड़ता है, इंसान जो शहर में रहते हैं, पानी, चिराग, पक्का की सड़क, अच्छे घर, जूते पहनते, सब कुछ बाजार में जाकर सौदा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को जंगल में ये मुसीबत उठाना पड़ता है, हम लोग को देखना नहीं चाहिए कौन सा जात, हम लोग को देखना चाहिए कि वो मनुष्य है और कैसे बाघ उनका बच्चा को उनको कूद करके उनको हत्या कर दिया। भाइयों बहुत दुख के समय ऐसा है। हम आशा रखते हैं कि सूरीनाम की सरकार, खास करके यूस्टिसी का मिनिस्टर और सरकार के बड़े बड़े लोग जो है इस परिवार को अंडरस्टैंड करेगा, इस परिवार को सहायता देगा। ये एक बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है जो हम लोग इस बात से अगर हम लोग दूर रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। भाई रोज आ रही होता है, सोमवार के रात्रि को एक ब्रोमफिज कुरैशी इंदिरा गांधी वैक ये जा करके प्यारे प्यारे लोग धक्का मार दिया है। एक गाड़ी आ रहा था, एक बैरम पर चला गया, बैरम पर से इलेक्ट्रिक मास्क में धक्का मार दिया, ये बेचारा गिर पड़ा। एक फीचर इन्हें उठा करके सपूत ऐसा को पहुंचाया गया है। सब लोग असेंबली में सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल मिनिस्टर स्टुअर्ट खतरों के लिए, जो यूस्टिसी का मिनिस्टर है, मिनिस्टर स्टुअर्ट के लिए सवाल पर सवाल, जैसे फुटबॉल मारे लोग बम से गोल में, गोल में सब लोग गोल में, ऐसे ये सब लोग सवाल पर सवाल स्टुअर्ट खतरों के लिए कि स्टुअर्ट जब हम लोग अखबार के अंदर झांक करके देखते हैं तो ड्रग्स फंक्शन एच सूरीनाम जात है बेल्टलैंड में, तो बेल्जियम, तो स्पेन, तो ये जगह, तो वो जगह, सब लोग सवाल किया स्पाइयर के क्रस पर जो जहाज पहुंचा है ड्रग्स लेकर के 1800 किलो या कितना। मिनिस्टर ने कहा कि ये ब्राजील से गई है और ये सूरीनाम के क्रस वहां पर ओवर खलाद कहते हैं, जिसे बोट आइस है या पनडुब्बी है या ड्रैग बोट है, और एक बड़का जहाज सूरीनाम के माउंटिंग पर है, बस उसमें सब ड्रग्स लदाया जाता है, फिर वहां से स्पाइये जाते हैं, बेल्के जाता है, वगैरह वगैरह। खतरों ने कहा कि वो ब्राजील से बॉन्डिंग पर वो दूसरा बोट में लादा गया है, फिर वो गया है, वगैरह वगैरह। लोग कहते हम लोग जानना चाहते हैं कि के भेजत है, कहां से ये के करे हुकुम से ये सब चीज होता है। दिस पार्लियामेंट टुडे खस्ट आउट इन अंटवर्डन खतरों ऊपर ड्रग्स फंक्शन भी चलान, ऐसे बात है भैया। सब लोग सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, लेकिन अंतर जवाब ठीक से नहीं दिया गया। एक खवेज ब्रोकोपोंड ऊपरी कॉम्स्ट ये तैयार है, सरकार पार्लियामेंट में बहुत जल्द भेजने वाला है। जिस दरखीलिंग एक चैट फोर्स चल फॉर खवेज द ब्रोकोपोंड ऊपरी कॉम्स्ट तुस्तन द स्टार्ट सूरीनाम एंड द बॉक्सिट मल्टीनेशनल अलकोवा सूरालको ये तैयार है। इसी महीना में नेशनल असेंबली में प्रेसिडेंट बोल्टर्स भेजेगा, क्योंकि चिट्ठी द्वारा जेनिफर खेलिंग सिमोंस को खबर मिल चुकी है और परिणाम के अलैन आर्द फैब्रिक, अलैन आर्द रफिनादरी के और मंत्रिंग वो तो शुरुआत हो चुका है और मंत्रिंग उखाड़ा जा रहा है। प्यारे प्यारे लोग, वैसे तो ब्रोकोपोंड ऊपरी कॉम्स ये आपको मिलेगा, जैसे और मंत्रिंग फॉर द रफिनादरी
de Afubaka krachtcentrale en de status van de concessiegebieden die Alcoa Suralco onder beheer heeft. Twee openbaar vergaderingen onder Belaya Jaegi. Toen hij bij nu in te zaar kerke rehna afloko jesem milega assemblee ke baat hem kar rehe hem. De huidige directeur Hakling Bank, Wim Boussaid, wil hem jawadjastie hem is hem na niet karat het bank se. Hem goed ja rehe hem, ja hem jana chahiye, kyunki hemara pensioen leeftijd ho chuka hai. Bole in augustus 2016 hamara pensioen gerechte leeftijd ho chuka. To isliye ab mujhe ko jana hai. Aur ab hum jayenge na ki hame jabardasti log wahan se khadir raha nahi. Hum khud wahan se ja rahe hain. Pyare log janta, hamare Suriname ki janta, aap log हमारे श्रीनाम की जनता है और मान बकेंट सेक्स में थ्वेटिन यार ख ये कौन सी हुए तेरे देश में काकी ये सब चीज जो श्रीनाम में इस वक्त शुरुआत हो चुका है अब ये रुकने वाला नहीं है ये रुकने वाला नहीं है भैया ना इंसान जो किसी को कह दिया आई लव यू वो कहा आई लव यू एक खौफ आई है फिर और बात चलने लगा उनके लिए मिठाई लेकर के गया उनके लिए पैसा ले गया बात बढ़ने लगा और ऐसे ऐसे कुछ दिन तक इंसान इंसान से रोजाना उनको मुलाकात होता रहता है जब तक उनका जिंदगी जब तक अपना हवस उस बच्ची पर या वो इंसान पर नहीं उतारेंगे अभी तक उनको खाया खिलाएंगे पिलाएंगे उठाएंगे ले जाएंगे अपना मकसद पूरी करने के लिए डेसमोंड एम ज़ेफ़रन प्रेडिक्यार के आदमी ना अब ये रेक्टर के सामने ये खड़ा इनको पूछा जा रहा है हैं ये पगल पगल है? 27 साल के तू है ले अब एक छोटा बच्ची को ले जा करके बलात्कार करे के ये तो के शर्म न लगल बोले ना 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 ये बात ना बोले हम सोचे 20 बरस के हैं बोले हमसे 20 उच्च पुशाही 13 14 साल के अब ये बहुत सरकार रखते जो दिखवाई से सब काज पत्तर Het slachtoffer is echter 14 jaar, 14 jaar kan hij zijn. Dus in 12, 13 jaar ze onko balatkar kanen laga. Samen? Maar ze, jij de rechter, bole Desmond ze. Desmond bole, dus wat is 20 jaar kieu hè? Lekin jij rechter ko ka, je baat onki saamne, rakhi to ka, ek hei vroeg om vergifnis. Koji vergifnis? Tu bachi ka jindagi tabah kar dele. Samen? और सब बात छोड़ करके अब एक दफे थोड़ा ऊपर हवस उतारी से बहुत समय तक और हम बताई तो का बताई भैया बोले अपार्टमेंट में हम ले जा करके तो उस बच्चे हमारा बाहर झारत है तो ये करत है तो अपार्टमेंट में ले करके तू गया एक बच्चे को काहे के तो ये बात इतना दूर तक भेल ये तो वहां कहते हैं कि बच्चे हमार कपड़ा पर अपना उतारी सपना बने ये सब चीज झूठ बात है ये सब बात हुआ है भाई अब ये बच्ची 14 साल के उन्हें बलात्कार किए है 10 मंथ फिर अंतिक यूनी को ये मुकदमा रेक्टर इस पर फिर ध्यान रखेगा फिर से ध्यान रखेगा और देखेगा कि ये मामला कैसे इस पर फैसला जज लेती है ये भैया हमारे सुरीनाम की जनता सब लोग अखबार को पढ़े हैं आप ही पढ़ते हो
कितने तो ही कम हुए, दिन भर अखबार ही पढ़ते रहते हैं, समझे ना। अब जब अखबार ने डाक बलात ने कई मरतबा विल एस्मेक स्पोर्ट सेंट्रम के बारे में जिक्र की कि अब आपको शिकार खेलने के लिए जंगलों में जाना नहीं चाहिए क्योंकि जंगल यहां तुम्हारे घर तुम्हारे सामने लाया गया है, वो था सुस्तरें। अब वो मशीन से ट्रैक्टर से ओके माइक किया जा रहा है। एक फुटबॉल ट्रेन ट्रैक्टर से अगर आप माइक करेंगे, कुछ दिन बारिश भी आया है तो बिगड़ जाएगा, वो फ्लैट में गढ़ा हो जाएगा। ओके ट्रैक्टर से नहीं, ब्रश कटर से होना चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर से वो जमीन फिर बिगड़ जाएगा जहां पर बच्चों को फुटबॉल खेलना पड़ता है ना। तो स्पोर्ट्स साकन के चाहिए ये सब काम के बारे में सोचे के ब्रश कटर से धीरे धीरे सब कट जाए और फिर इसे हमेशा उनको ऑनरॉ करना चाहिए, न ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से बड़का बांटी वगैरह गढ़ा हो जाएगा तो आप उस पर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, बच्चों को दौड़ा नहीं पाएंगे। तो ये काम अब हो रहा, घास उस कट रहा है, लेकिन देखो बाद में क्या हो रहा है। प्यारे प्यारे लोग, एक आदमी, एक धन्ना सेत आदमी, एक धन्ना सेत आदमी जिनके पास 1,000 नगद पैसा, 1,000 अमेरिकन डॉलर, 500 एसआरडी, मोबाइल टेलीफोन, गहना, मोटा मोटा केटी, ये एक धंधा करने वाले गली से एक धंधा अमांडा एफ, इनको लेकर के होटल में गया है। काका तू बतिया सुन, काकी तू भी मोई से सुन, एक इस तमाशा जो भैल है। अमांडा एक औरत के नाम है, अमांडा एफ। आदमिया तो पहले गए हैं और क्या करेंगे, फिस फुस कर करके अब बोले अच्छा चली, तो अब उनको लेकर के धंधा करने के लिए पैसा ऐसा ले करके अब ये नचनिया को लेकर के गई से नाइट क्लिप में। नाइट क्लिप में सुनिए क्या बात है, जब जैसे पहुंचा नाइट क्लिप में, ये 12 फरवरी के बात है, ये आदमी औरत को पहले पैसा दे दिया अमांडा को, जो पैसा वो मांग की कि इतना में तू धंधा कर सकते हैं। फोकस एट स्लॉफ्ट ऑफ अवर हार्ट हेड फ्रॉम बताउट ए बिग रूम नार इन कामर ऑफ सेक्स विथ हार्ट हेवन। दोनों पहुंचा बस जैसे कमरा में पहुंचा मौसा, दुई को डाकू या दुई आदमी भरभरा करके कूद पड़ा इस आदमी के ऊपर। अमांडा के कहने पर ये नाटक जो है ना, अमांडा खुद लिखी से रहा कैसे आदमिया को लूटने के लिए। खरीद ना दट से इन द कामर वारन स्टर्म ट्वी और मकैन द मानन द रेंट बेनन, और क्या कर रहे हैं उनको पटक के जमीन पर पटक करके और छुरी से पहले उनकी जांघ में और पिछवाड़े पहले छुरी फोकिंग है, बट मेस उनका ट्रेट निकाल लिया, पैजामा खींच लिया, जॉकी खींच लिया और जॉकी ओकी सब कपड़ा ले होकर के, जिस पैजामा में भी कुछ पैसे भी था, अमांडा को पैसा भी मिल गई थी, और फिर वहां से सब लोग भाग गया। उन्हें दंग धीरंग अकेले ही वो कमरा में छोड़ करके भाग गए सब, नचनिया भाग गए और दोनों भरुआ भी उनके साथ, उनकी पैजामा उनको नंगा करके भाग गया। भैया आदमी आप जब हल्ला उल्ला मचा करके अब सिपाही पाई आई से अमांडा गिरफ्तार हो गई, उसमें से एक राफेल का भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन एक भरुआ भी ना एक लापता है।
अमांडा को 2 साल की सजा रखकर हथौड़ी मार दी बराम से। अमांडा शांतुबोमा राफेल का डीआर दोनों का पैजामा जोकी निकारी। एगो जो भगल है वो भी लापता है। तो एक ये तमाशा जो है काका, तनी ध्यान से समझ जाओ का हुए है। ये सब नचनिया, इन तमाम लोग पैसा देख करके इन लोग का ईमान बिगड़ जाता है। तनी फुर्सत तक है सब चीज के लिए इंसान को, कि ये सब चीज जो हो रही है सरनामे है, इंसान का गला भी काट करके ये लोग फेंक सकते हैं, समझ रहे ना। तनी याद करियो का बोल रही है, ये नचनिया लोग के पीछे, ये पतुरिया लोग के पीछे तनी फुर्सत तक रहियो, देखो तुम्हें नंगा करके तुम्हारा कपड़ा भी उठा करके ले करके वो भाग गए हैं। अब का हम देखिला एडखार दिकान जो मिनिस्टर है, रीजनल ऑन्ट्रेकलिंग का मिनिस्टर एडखार दिकान, दिकान बोलत है कि जितना लोग बैरम पर सौदा बेचत है, धंधा करता है सौदा करके, सौदा या और कुछ करते हैं बैरमन एंड उपमार वह, अब आप लोग को एक बस्केकेन मिलना चाहिए। बस्केकेन के जरिए से तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा। अब जितना लोग बैरम पर कुछ बेचे मांगे हैं, बेच रहे हैं या कुछ कर रहा है, फॉर द एट फोरिंग दरफान, जब बस्केकिंग वास बेचे, मतलब कि बस्केकिंग है कि जब आप कुछ बेचना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आपको पैसा लगेगा, ऐसे चीज हुआ है। तो आप तनी एक बारे में देखियो भैया, समझे ना। ए तमाशा, अनेक अनेक प्रकार के चोर, अनेक अनेक प्रकार के लुटेरा है देश में काका। सुनिए सुनिए बात हम तो बताए कैनेट डे के बारे में। कैनेट डे कमवेन में बो मटेरियल 7 में ये वहां पर नौकरी करता है, कमिश्नर तुर्कोव्या के बात है। कैनेट डे ने जान बुझ करके जहां कासा है, कासा के आसपास में जहां पर ख्याल त्रमल है, जहां पैसा है, तो त्रमल के आसपास में लाइटर फ्लूट का तेल गिरा करके उसमें आग लगाया है। और अचानक वो जो ख्याल त्रमल नेताल के है ना, बस वो जरे 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 इसे जरे आगे थे ये हल्ली बुतैली। लेकिन बाद में वही कैनेडी लोग को समझाता है कि इसी आग के कारण से उस त्रमल में जो 100,000 नगद पैसा उसे जर गए है। क्या त्रमल जो है मेटालन, वही ऊपर में लाइट फ्लूट गिरा करके लगा दिस आग, बड़े लगा ऊंचाई से अब बताए थोड़ा बहुत ख्याल त्रमल खुले है, बस मैं कुछ पैसा ऐसा नहीं है, बोले हाँ वो भी जर गया है। ये बात ऑन द सुख सिपाही ऑन द सुख तो पता चला कि उसमें पैसा जर नहीं सकेगा, चाहे जैसे जितने आग लगेगा। वो त्रमल ऐसे बनाया भी गया है कि अंदर के पैसा जरेगा तो उसमें रह जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं। देख कैनेट गिरफ्तार हुआ है अब। बोला हम पैसा निकाल ले ली है, बोले हम पैसा से अब खर्चा कर ली है, अब बाकी बात हमारे सुख होगा। तो अनेक अनेक प्रकार के चोर, नया नया चोर, नई नई प्लानिंग के तरह चोर बस गया है देश के अंदर में। जैसे कल मैंने कहा कि सेंट्रल मार्केट एक ब्रांड का कोई उखाड़ करके और जितने पैसा था 1.5 दर्जन ये पैसा उसमें से लापता है। भारत में इसे जॉन लैक्टन को अब बताना चाहिए इन्हें कि कैसे वह इंसान गई, कैसे पहुंचा चोर, कैसे उनका ब्रांकास खुला और कैसे 1.5 दर्जन पैसा बाजार से लापता है, उनको बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए ना कैसे भाई 1.5 दर्जन
एक टेक्नीशियन मिल्ज वर्कर ये गिरफ्तार हुआ है बाजार के में जो काम करते हैं मार्फेट बे, मार्फेट बे इस आंख होजन, अब देखो वही चोरी करी से या सार बहनो मिलकर के चोरी करी से, देखो कैसे बात है। हाइटियानर इस वक्त गयाना से ब्राजील से पिछवाड़े से ये लोग ने धीरे धीरे सुरीनाम में आने लगा। निकेरी का पुलिसी ड्रियम फेल्ट तक हाइटियानन को कल गिरफ्तार किया है, ड्रियम फेल्ट तक हाइटियानन को। दो ब्रश में ये सब परमाइबो की तरफ आ रहा था, दो ब्रश में, अब आप समझ सकते हैं बप्पा, दो ब्रश में तो सब, दोनों देश का शोफेर भी गिरफ्तार हुआ है, वो जेल में डाल दिया गया है, व्हीकल्स मेंशन स्मोकर, और सब हाइटियानन गिरफ्तार किया गया है, कितने सदन हाउस में बंद किया गया, और जो लड़कन है छोटे लड़कन एक डिस वार्निंग कॉर्पोरेशन श्रीनाम वहां लड़कन को ले जाकर के रखा गया है। दियो फैक्ट इल खाल हाइटियानन आंखों होजन ए निकेरी। प्यारे प्यारे लोग, अब आप सुनियो का बात है, इलेक्ट्रिशियन ब्रश लिए कहीं जा रहा काम करने के लिए, अपना गाड़ी लेकर के सामान लेकर के राम गुलाव गया, वहां बांती दग गया। आसपास में ये लोग ने गया लेकर के जहां बांती बदल सकते हैं लोग बदलने के लिए, और वहां पर वो लोग बांती बदल रहा था। अचानक सरखियों के दौड़ते दौड़ते गाड़ी गाड़ी खोल करके ड्रियन 20,000 अमेरिकन डॉलर, 11,000 यूरो एंड 15,000 एसआरबी एक तस में रहा छीन, वहां निकाल करके भगा। एक गाड़ी रहा आसपास में टोयोटा ब्लीड, उस पर कूद के बैठा गाड़ी चला गया। ये मुकदमा अब जाने की सैरफियों के गिरफ्तार हुआ है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि भागते हुए समय इलेक्ट्रिस मास में एक धक्का लगा है, और फिर धक्का लगने के बाद आगे भी चला, वहां पर उनका बिम्पर छूट गया, लेकिन वो गाड़ी लेकर के वहां से भाग निकला, लेकिन बिम्पर में कैंटीकन प्लाट रह गया था। तो ये गिरफ्तार हो गया है, 24 तारीख को अब ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। सवाल तो यही है, एक इलेक्ट्रिशियन अपने गाड़ी में ड्रियन $20,000 अमेरिकन डॉलर, 11,000 यूरो, 15,000 एसडी इतना पैसा ले करके वो कहां जाते काम करने के लिए, केकर काम करने के लिए। पहले इंसान को अपना आदत बदलना चाहिए, इतना इतना पैसा ले करके मत घूमना, ये खाली मुसीबत अपने ऊपर आप ले रहे हैं, अब मुसीबत दूसरों पर आप डाल रहा है। प्यारे लोग, हमारे सूरीनाम की तमाम जनता इस बरस देखने में आया है कि लड़कन ज्यादा से ज्यादा लड़कन सलाख हो रहा है। मैंने शुरुआत में कहा फिर 67.8% लीको एन का सलाख हुआ है, उसके बाद रुख दौरन अतनियम 91% डायरेक्ट सलाख दन। ये अच्छा लगे है सुन करके कि बच्चों ने इतना बच्चन अंडरवेस के तो पास हो रहा है। यहां पर लिखल है भाइयों कि मिनिस्टर फॉर अंडरवेस लिलियन फेरिये एंड फैकफरीनिगिंग वेतनस्खापलिक पर्सोनेल यूनिवर्सिटेट ये बस ब्रेकिंग यानी बातचीत किए हैं, 2.5 घंटे तक ये दोनों बातचीत किए हैं, और 2 दिन के लिए मोहल्लत मिनिस्टर ने मांगी है। मिनिस्टर जाओ द फे वे पे यू यानी कि बॉन्ड वेतनस्खापलक एंड कल्चर बॉन्ड को बीफे तक मोहल्लत मांग रही है, बीफे को अंतर देने वाली है मिनिस्टर। हाकरिंग बैंक 2017 में, हम 18 के बात नहीं करते हैं, 2017 में फीरन फेस्ट प्रिंसेस मिलियन मुनाफा कमाया है। हाकरिंग बैंक अपने बुक यार में, तेज जीफती बुक यार में फीरन फेस्ट प्रिंसेस मिलियन मुनाफा कमाया है।
regering Suriname, aap te jante hain, ye grootste aandeel houder hai Agri Bank ka. Samjhe na bhaiya? Ye janta, ek babua Shiv Kumar, 45 saal ka Shiv Kumar weekend mein chori karte hue ek kharab machine ka tel chori kar raha tha. Tulifo kanaal weg. Do jerry can mein ye tel nikal raha tha ek kharab machine ke tank se. Bas ek kharab pahuncha, bas inko giraftar karwa diya. Shiv Kumar, oud bekende van de politie, en maak de gewoonte en maak de woonomgeving onveilig. Man op heterdaad betrapt voor diefstal, weet je dat teeltjori karta tha, die graafmachine se, ghus ke nietje, jerike laga karke, tank khol karke sab teel nikal raha tha. Tamlik eikhana pahunc gaye, bas babua giraftar ho gaya hai. بہت دکھ کے بات ہے, کریو تو کا کریو, انسان کا دماغ رہ رہ کر کے پھکانسی چل جا ہے, یہ غلط کام کرنے لگتا ہے, سمجھے نا. جیسے ایک بوٹس مان, ایک آدمی اس کے نام وینک ایم, 35 سال کا وینک ایم, سینٹ لورانسیو کے البینا ٹکرا رہا بوٹ میں, جب پہنچ گیا بوٹ تو وینکر پٹمونی نکالتے, موٹا پٹمونی بھرل پیسہ, بس پھر مشین سٹارٹ کر کے اب پھر بیچ ریور چلا گیا, بولے سب پیسہ دے میں تو. بس دونوں میں جھگڑا ہونے لگا, ہوتے ہوتے جھگڑا, بس بوچھ مان پانی میں گر پڑا, کو پٹمونی پکڑ کے کھینچی, اس بگی گر پڑا پانی میں, بس اوپر نہیں آیا, یعنی بندہ خیال گھس گیا لے کر کے پانی کے اندر ہے. وینکر ایم جا کر کے اب نالش کی ہے کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا, 3,000 یورو اور 6,000 امریکان ڈالر اور کتنی فرانس فرانس اور کتنی کیا سب لے کر کے وہ بوچ مان گر پڑ ہے پانی میں اور بھر گیا ہے, ان کا شاید مرتیو, ارے مرتیو تو ہو گیا ہے لیکن لاش ابھی ملا نہیں. انیک انیک پرکار کے یہ سمسیا بھیا, روز کوئی نہ کوئی گھٹنا, کوئی نہ کوئی الٹا پلٹا کام جنتا کرتا ہے. پیارے پیارے لوگ, پرارتھنا شیتل, پرارتھنا شیتل ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا ڈگری حاصل کی ہے. وجے پرکاش شیتل اور سمندرا شیتل چھوٹکن میا بپا کے نام ہے, سندھیا اپاسنا اور پریا شیتل, سنجے راکیش اور رجنیش, دیر مان ریان, آنند شیتل, شیلاوتی شیتل جوراون, امریش دھیرج ایون, ایسے کر کے سب پریوار تام تو ہے نا شیتل, سب کو بدائی دیا اور پرارتھنا شیتل کو بھی رافر بدھائی دیتے ہیں, بیچاری پڑھ کے ڈپلوما حاصل کی ہے. بھیا کلو کیا کہتے ہیں, ریشارڈ کلو کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. بلستاج اوری کے قرضہ ہے 1,000,000 امریکان ڈالر. ریشارڈ کلو بولے استاج اوری یہ قرضہ کہاں سے بھرے گا, 1,000,000,000 کہاں سے بھرے گا, کتنے دواری سے پیسہ لا کر کے یہ قرضہ بھرے گا. ریشارڈ کلو بولے پیسہ کہاں سے بھرے گا قرضہ, خالی مصیبت مصیبت ہے, یہ لوگ موری پر لے کر کے چل رہا ہے, سمجھے نا. اے جنتا, بھائیو بہنوں, دیکھو میں اور بات بولنا چاہتے تھے نا. یہاں لکھا آن دا ڈائریکٹر ہوپل نوک ان فلم شیپ منسٹر فار آندرویز ویزنسکاپ لیلین فیریے کہ کہتے آن ڈائریکٹر میوریل ہوپل ابھی تک آن دا ڈائریکٹر ہے. آن دا ڈائریکٹر ہوپل کو لیلین ابھی فرفا نہیں کی ہے, تو کیسے یہ حلہ سب کر دے رہے کہ لیلین اٹھا کر کے اس مہرارو کو بہرے پھینک دی, یہ گڑبڑ بات ہے. تو راری کا ہوٹل کاسینو اپنا 56ویں جینتی منا رہا ہے, سیشن فیف تک یار
तोरारी का भैया तोरारी का जब बनल हन मौसा तो कम कनी बात बता दे तो तोरारी का में सूरीनाम के जनता को अंदर जाने के लिए मिना ही था। खाली परदेशी जब आवे तो एक सूरीनामर को ले जा सकते थे अपने साथ, हमार देश के होटल यहां के जनता को मिना ही था। और न कि लोग जैसे जिस तरह से एक शॉर्ट पहन लिया, एक नहीं जैकेट पहन करके पहले जाना पड़ता था। तुम्हें जैकेट है तो परदेशी के साथ तो अंदर जा सकते थे। आज के जमाना जब देखो भैया, एक एक नचनिया तो दहिया कुछ कपड़े न सब कुछ दहिया भर दिखाते है, जाते तो कहा हम भीतर होटल में रही होटल में रही दहिया भर सब देखा है इधर से उधर। तो आजकल की बात है कि लोग कपड़े पर धिया नहीं रखते हैं, कपड़े पर धिया नहीं रखते हैं। पहले होटल में यानी कि तोरारी का बात हम कर रहे हैं, जब जैकेट हो तो एक परदेशी वहां रहता है तो परदेशी तुम्हें अंदर ले जा सकता है। कैसीनो हो, जहां पर कैसीनो है या होटल या कमरा ना? आजकल देखो लैला मजनू शरीफ फरहाद सभी घुसा रहे तोरारी का में, कोई कपड़ा पहनीस कोई नहीं पहनीस इससे कोई फिक्र है ही नहीं। अरे आजकल कपड़े कहां लोग पहनते हैं, अगर ठीक से देखो तो नचनिया लोग वो तो उनके ऊपर तो कोई कपड़े ही नहीं है। समझे न काका? प्यारे प्यारे लोग, एक अक्षी कमिटे अलकोवा, अब सुनिए तमाशा काका। एक अक्षी कमिटे अलकोवा इस अपमानदा खपरू का व्यर्थ इंडत उफ पार्टी फन मस खबलग प्लेटफॉर्म सेती स्रनंग आंद फाया जंसरा तो फ्लोरा देखें ती यूनी को एक प्रोटेस्ट डेमोस्ट्राची होगा इन द ओमगेविंग फॉर परनाम प्लान सुराल को इस वक्त हैंडटेकनिंग फरसामल हो रहा है एक पेटीची इंजन करने के लिए जो 20 जुलाई को नेशनल असेंबली में इन दिन होगा। और आगे चल करके याक्षी कमिटी अलकोवा विल रेगेरिंग फॉर द रेक्टर दागन, याक्षी कमिटी रेगेरिंग को जज के सामने खींच के ले जा रहा है कि ये लोग क्या किया है शिराल को और परनाम के। ये इस वक्त काम शुरू हो गया है अक्षी कमिटी अलकोवा, सोमवार को ये स्थापना हुआ है, अब ये हंटे के लिए फरसामल हो रहा है। 20 तारीख को एक पेचित सी नेशनल असेंबली में इन दिन होगा। इसके बारे में आपको संदेशा हम पठाएंगे। भाइयो बहनों, अब जनता के कानों में सब बात पहुंच चुका है ना? जो बात अभी तक ना पहुंचल है तो हमारा काम तो यही है धीरे धीरे वो पहुंचा देने के लिए। आप जनता हो और आपके लिए हम तैयारियां कर रही हैं, हर एक चीज जिसके लिए जरूरी है भाई बहनों। एक बात है याद रखियो, स्कूल के बच्चों जो एग्जाम बनाते हैं, कोई सलाख होगा कोई नहीं सलाख होगा, कोई बक हो जाएगा, जो लड़कन साइड नहीं सलाख हो गए, आप कोई ऐसा गड़बड़ काम नहीं करना। अगर तुम्हारा रिपोर्ट ठीक नहीं है कोई ऐसा गड़बड़ काम नहीं करना कि क्योंकि आप जिस तरह से इंसान है तुम्हारा माई बाप ऐसा ही इंसान है। अगर तू सलाह न भैलो पास न भैलो तो जाकर के मैया से कहो कि मैया देखो हम पास न भैने, नाराज न हुईये, एक मौका हमें और दे दे, अगले साल हम मांगेला फिर कोशिश करें।
माई बाप को चपलाती ले करके बच्चों को पीछना नहीं चाहिए कि कहे तुए लेकर तुए फटाफट मारे थे लड़कन के तनी फुर्सत तक बाप माई लड़कों के पढ़ाई में कुछ गलतियां हो भी गया उन्हें फिर से मौका दो ताकि वो फिर से जा करके और स्कूल में फिर से कोशिश करें। जो माँ बाप बच्चों पर अत्याचार करने लगता है, मारपीट करने लगता है, पिटाई पीट, वो लड़कन गलत काम करने लगता है। गलत काम मत करियो लड़कन, तुम्हें हिम्मत चाहिए, हिम्मत। हमारे सूरीनाम के लड़कों का हिम्मत इस वक्त है। गलत काम मत करियो, तुम्हारा रिपोर्ट ठीक नहीं है तो जाकर के मैया के सामने कहो कि बप्पा के साथ बप्पा देख घर गड़बड़ाएगी, हमें मेहनत कर ली लेकिन पास न भेजे, हमें एक मौका तो और दे, जाकर के कहिए तो तुके मौका मिली। अब बाप माई को चमोटी लेकर नहीं खड़ा होना चाहिए बेटा बेटियां को मारने के लिए, तभी समझो आप लोग यही पर देखो चमोटी लेकर के बेटा बेटियां को मारने लगता है। हाँ हमारा लड़का है तो हम मार सकेला कहे के तो तनी फुर्सत तक रही हो। और लड़कन आप लोग गलत काम मत करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारा माई बाप के दुख होए, इतना बात याद रखियो। हम बार बार ये बात नहीं कहेंगे लेकिन एग्जाम बनता है, कोई पास होता कोई नहीं पास होगा, कोई के साथ उनका तकदीर उन्हें उनके साथ नहीं दिया तो बेचारा बक हो गई है, लेकिन तू कुछ गड़बड़ काम मत करना। और दूसरा बात यह है, लड़का लड़कियों से एक बात और हम बता दी तो ठीक है, प्यार के चक्कर में मत पड़ियो, जब तक पढ़ाई हुए है ये प्यार के चक्कर में लौंडा के फिस फिस चिट्ठी लिखना या छोरी को फिस चिट ये काम से दूर रहियो। तुम्हारे पास जब डिप्लोमा हो गई है तो जाकर के जैसे ब्याह कर माओ कर लो, जिसके दिल के साथ जिंदगी बसर करना चाहे, लेकिन स्कूल के समय फीस फीस करके और स्कूल के नाम पर होटल जाते लोन के साथ, पेंशन जाते हैं लोन के साथ, माई बाप को धोखा देते हैं। बच्चों ये काम मत करना, अपने बाप और माँ की इज्जत करो और उनके साथ गद्दारी मत करना। पढ़ने के बाद तू सलाह हो गेलो तो बप्पा से, या बप्पा देखो हम एक लौंडा चुन चुकली है, ओका नाम है दिलीप कुमार, देखो वहां खड़ा है लंबा लंबा मोच है ओके चाहिला, तो बाप कभी न बोली ना, समझे ना। इसलिए सच्चाई तो सच्चाई है, बच्चे आप कोई गलती काम नहीं करना। अच्छा फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।